आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये हम क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का लॉस जानने के लिए बनाते हैं और ये पूरे साल के लिए आमतौर पर बनाया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये हम पहले जानते हैं। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी हमारे बिजनेस के लेन देन के मामलात होते हैं, उसको हम लोग जर्नल में उसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग में बिजनेस के मामलात को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है और उसके बाद बिजनेस में आने वाली हर डिटेल यानी हर चीज का अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम लेजर अकाउंट कहते हैं। लेजर अकाउंट के बाद जो कुछ हमने यहां तक किया होता है, जर्नल लेजर बनाया होता है, उसकी समरी तैयार की जाती है जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। इस ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, हमें बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट बताता है जो कि बिजनेस की जो मेन प्रोडक्ट है उसको उसकी अमाउंट में से यानी मेन प्रोडक्ट की सेल की अमाउंट जो हम लोग मेन प्रोडक्ट बिजनेस का हम जो सेल करते हैं उसको हम लोग अपनी सेल्स कहते हैं। सेल्स में से उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो अखराजात किए जाते हैं जिन्हें हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं उसको लेस करने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट जानते हैं और फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस के खराजात होते हैं लेकिन उनका डायरेक्ट रिलेशन उस प्रोडक्ट को बनाने से नहीं होता जो कि हम बिजनेस का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे हमने जो प्रोडक्ट बना लिया है उसे कस्टमर तक पहुंचाना है, हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है उस प्रोडक्ट की, इस तरह के जो खराजात होते हैं उसे हम बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से उसे लेस करते हैं तो बिजनेस का असल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम जानते हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी का नेम लिखेंगे जिस कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोग बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। यहाँ पे इसे मजीद टू हेड्स में डिवाइड किया है, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस और प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आएंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे जो कि हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट हमें कह रहा है बिजनेस का ग्रॉस लॉस हुआ है तो लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो हम एक्सपेंसेस को और लॉसेस को हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं और क्रेडिट पे हम लोग बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट और इसके अलावा बिजनेस की कोई भी इनकम है, जैसे बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा और उससे बिजनेस के पास अमाउंट आ रही है, कुछ इनकम हो रही है, इस तरह की इनकम को इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं और चेक करते हैं किसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इसको लिखते जाते हैं और इसी अकॉर्डिंगली हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। सैलरीज है, सबसे पहले सैलरीज क्या होता है, ये हमने स्टाफ का एक्सपेंस होता है जो कि हम लोगों ने अपना स्टाफ रखा हुआ है उसको उनका मुआवजा देना है उनके काम करने का, उसको हम लोग सैलरीज कहते हैं। तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है लेकिन ये हमारे बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन उस प्रोडक्ट को बनाने से नहीं है जिस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है। बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है, जैसे अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और जो डिफरेंट स्टाफ काम कर रहा है उसे हमने उनका मुआवजा देना है काम करने का, वो है हमारी सैलरी। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे आएंगी तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में अपनी सैलरीज को लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देते हैं, 96,000 हमारी सैलरीज की अमाउंट है जो कि हम सैलरीज दे रहे हैं, हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है सैलरीज, इसलिए हमने इसे यहाँ लिख दिया। इसके बाद है हमारे पास कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमने बना लिया है उसको कस्टमर तक ट्रांसफर करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसे हम कैरिज आउटवर्ड कहते हैं। कैरिज आउटवर्ड को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। कैरिज आउटवर्ड प्रोडक्ट बन चुका है और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो खर्चा किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ये खर्चा नहीं कर रहे, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो इस खर्चे को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। कैरिज आउटवर्ड को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लिखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खर्चा हम कर रहे हैं। और कितना है ये खर्चा, 10,000 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इसको। इसके बाद है हमारे पास रेंट। रेंट क्या होता है, हमने जहाँ पे जिस बिल्डिंग में हम लोगों का ऑफिस है वहाँ का हम लोगों ने किराया देना है, वो किराए पे है तो वो भी हमारा खर्चा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, तो रेंट को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हमने यहाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में रेंट को भी लिख दिया जो कि है 72,000। इसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, यानी जो डिस्काउंट हमने अपने कस्टमर्स को दिया है वो डिस्काउंट देने का मकसद क्या होता है, ताकि हमारे कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे चीज़ें खरीदें, तो ये एक्सपेंस जो हम करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसलिए हम डिस्काउंट देते हैं।
डिस्काउंट अलाउड है हमारा 8000, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट हमने जो अपने कस्टमर्स को दिया है वो है टोटल, हमने जितना डिस्काउंट दिया है सब कस्टमर को वो 8000 है। तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड को अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी सेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा हों, तो ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। इसके बाद है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको हमने चीजें बेचनी हैं लेकिन अभी उनके पास से हमारे पास जो अमाउंट उन्होंने हमें देनी है, सेल्स की वैल्यू हमने रिसीव नहीं की, हमने कैश रिसीव नहीं किया, तो ये लोग हमें फ्यूचर में कैश देंगे, यानी फ्यूचर में हमें इनसे बेनिफिट रिसीव होगा। तो ये हमारे बिजनेस के एसेट हैं और बिजनेस के तमाम एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंपनी के माली हालात जानने के लिए बनाई जाती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाई जाती है। तो हम लोग सन्ड्री डेटर्स को बैलेंस शीट में लिखते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सन्ड्री डेटर्स को नहीं लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस हमें बिजनेस के तमाम अकाउंट्स की, जो कि हम लोगों ने तमाम रिकॉर्डिंग की है ट्रांजैक्शंस की, उन तमाम की समरी बता रहा होता है। तो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में से पिक करना है कौन सी चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेकर जाएंगे। तो जैसे सन्ड्री डेटर्स हैं, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? जिस मशीन पे काम हो रहा है, हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो है हमारी प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी भी बिजनेस का एसेट होता है, इसका लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस को फायदा होता है, लॉन्ग रन में बिजनेस को ये फायदा देता है, तो ये हमारा बिजनेस का फिक्स एसेट होता है, इसको भी बैलेंस शीट में लिखा जाता है, यहां हम इसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर। बिल्कुल इसी तरह फर्नीचर भी बिजनेस का एसेट होता है और इसको भी हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसको हम यहां पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है? हमारी कंपनी ने, यानी ग्लोबल कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसने जो है कहीं किसी दूसरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी को जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जब उसे प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का शेयर जो है वो उन तमाम लोगों को देती है जिनकी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस जो शेयर मिलता है दूसरी कंपनी से, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड, यानी ये डिविडेंड है जो कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे किसी दूसरी कंपनी से रिसीव किया है। ये हमारी इनकम है, लेकिन ये हमारी वो इनकम है जिसका डायरेक्टली रिलेशन हमारे बिजनेस के मेन प्रोडक्ट से, जिसको हम सेल करते हैं और हम लोगों के पास आती है अमाउंट, उससे नहीं है। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इनकम लिखी जाती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं? इनकम की अकाउंटिंग नेचर है कि इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो सीआर लिख देते हैं हम इनकम को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम डिविडेंड रिसीव्ड लिखेंगे। यहाँ डिविडेंड रिसीव है हमारे पास 20,000, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। डिविडेंड रिसीव है हमारा 20,000, इसको हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट हम लोग करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को पता चलता है वो कितना है, वो हमें यहाँ पे गिवन है। ट्रेडिंग अकाउंट ने हमें बताया है कि हमारा 2,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 2,00,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, हम इसको लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। यहाँ पे हम लोगों ने इसे 2,00,000 को लिख दिया। इसके बाद है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने परचेजेस की हैं, लेकिन अभी हमने उन परचेजेस की अमाउंट पे नहीं की, यानी हमारा उधार है, हमारे पे कर्ज है, हमारी लायबिलिटी है कि हमने वो अमाउंट पे करनी है। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी को हम लोग अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड वो होती है जो हमने परचेजेस की हैं और हमारे उन कुछ चीजों में नुक्स है जिस वजह से हमने वो चीजें वापस करती हैं, जिनको हम लोग रिटर्न्स आउटवर्ड कहते हैं। अब जो परचेजेस हैं हमारी, उनका डायरेक्टली रिलेशन होता है हम जो चीज सेल कर रहे हैं। जैसे हमने कहा बिस्किट्स, अगर हम सेल कर रहे हैं बिस्किट्स के लिए हमने कुछ चीजें मटेरियल खरीदना है, तो मटेरियल जो हमने खरीदा है उसे हमने वापस कर दिया है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्ट को बनाने से है, चीज को बनाने से है। तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम अपनी इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या इनडायरेक्ट सोर्स से जो हमारे पास इनकम आती है वो लिखते हैं। तो ये हम अपने ट्रेडिंग में लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिटर्न्स आउटवर्ड नहीं आएगा। इसके बाद है हमारे पास सेल्स। अब सेल्स की जो अमाउंट गिवन है वो भी वो अमाउंट गिवन है जो कि हमारे प्रोडक्ट को सेल करने से आता है, हमारे पास जो अमाउंट आती है, जो सेल्स की वैल्यू होती है वो गिवन है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है।
इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी हमारे बिजनेस की कोई मशीनरी पड़ी हुई होगी जिसका अब हमें कोई यूजलेस है, जो मशीनरी अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमने नई कोई मशीनरी खरीदनी होगी, तो जो पुरानी मशीनरी है उसको हमने सेल कर दिया, पुरानी मशीनरी को सेल करने से जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है, जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, ये भी बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन ये बिजनेस के डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता जिसको सेल कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे, इनकम्स को हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसकी अमाउंट है 40,000, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखा, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसकी अमाउंट है 40,000। ट्रायल बैलेंस में जितनी इन्फॉर्मेशन थी उस सबको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कुछ लिखना था हमने उसे लिख लिया। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का भी टोटल देखेंगे और अपनी डेबिट साइड का भी टोटल देखेंगे। पहले हम लोग टोटल को यहाँ लिख लेते हैं, 2,20,000 और 40,000 को जब हम लोग जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,60,000, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारी डेबिट साइड है उस पर भी जितने हमारे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं उनका भी हम टोटल करेंगे, जितने एक्सपेंसेस हैं इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। हम देखते हैं कितने हैं टोटल, ये हैं टोटल 1,86,000, 1,86,000 हमारे टोटल खर्चे हैं और 2,60,000 हमारी टोटल इनकम है। तो जो हमारी इनकम है 2,60,000, इसमें से हम लोग हमारे खर्चे जो कि 1,86,000 है इसको माइनस करेंगे। क्रेडिट पे हमारे पास जो अमाउंट है 2,60,000 वो ज्यादा है और 1,86,000 जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हैं, हम लोग इसमें से इसे माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो कि है 74,000 उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट पे लिख देंगे। और बैलेंस यहाँ पे एक्सपेंसेस कम थे इसलिए यहाँ पे अमाउंट कम थी, इसलिए हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए दोनों साइड पे हम लोगों ने सेम अमाउंट लिखने के लिए इसे लिख दिया। लेकिन ये जो हमारी फिगर है जो कि हमारा नेट प्रॉफिट आया है 74,000, ये नेट प्रॉफिट हमने बैलेंस करने के लिए अपने इसे डेबिट साइड पे लिखा, और ये हमारा असल में ये हमारा नेट प्रॉफिट है, तो ये हमारा 74,000 का क्रेडिट बैलेंस है जो कि हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट 74,000 है। तो आज हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं ये आज हमने जाना।